हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार रिपेयर वीडियो। सो आज हमारे पास आई है रेनॉल्ट डस्टर कार, जिसमें क्लच का काम है। तो हो क्या रहा है, हमारे टेक्नीशियन ने जब भी इस कार का ट्रायल लिया तो हमें पता चला कि इसका जो क्लच सेट है वो काफ़ी वीक हो चुका है, पेडल काफ़ी हार्ड हो चुका है, कार का पिकअप ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, गाड़ी बिल्कुल भी भाग नहीं रही है, इसका जो फ्यूल माइलेज है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। कस्टमर का कंप्लेंट भी था कार के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग आपको इसका क्लच सेट रिप्लेसमेंट का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो गाइज, अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ आपको हमारे वर्कशॉप के सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेगी। सो आपने पुराने वीडियोस में भी देखा कि क्लच को डिसमेंटलिंग करने का काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, जिसमें हमें अपर फिटमेंट और लोअर फिटमेंट दोनों डिसमेंटल करना पड़ता है। तो अपर फिटमेंट में गाड़ी में कई ज़्यादा चीज़ें हमें डिसमेंटल करनी होती है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका जो कूलेंट टैंक है वो हमने बाहर निकाला है, साथ ही साथ इसकी जो भी वायरिंग हार्नेस है वो भी हमें डिसकनेक्ट करने पड़ रहे हैं, क्योंकि इस कार में हमें ज़्यादा जगह नहीं मिलती है गियरबॉक्स के राउंडिंग बोल्ट्स को खोलने के लिए। तो गियरबॉक्स के राउंडिंग के बोल्ट्स को ईजिली हम खोल पाए, और साथ ही साथ इसके कोई भी दूसरे पार्ट्स को डैमेज ना हो, इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें डिसमेंटल करनी पड़ रही है। अभी हम लोअर फिटमेंट का सारा डिसमेंटलिंग शुरू कर रहे हैं, साथ ही साथ इस कार में हमें इस कार का जो बम्पर है वो भी हमें डिसमेंटल करना पड़ता है। ये कार के गियरबॉक्स को डाउन करने के लिए हमें उसके राउंडिंग के बोल्ट्स खोलने होते हैं, एंड राउंडिंग के बोल्ट्स के वहाँ ही इसके एसी के सारे पाइप्स, कूलेंट के सारे पाइप्स हैं। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था कि कोई भी पाइप्स डैमेज हो, इसलिए हम ये सारी चीज़ें डिसमेंटल कर रहे हैं। सो गियरबॉक्स के राउंडिंग के सारे बोल्ट्स हमने खोल के गियरबॉक्स को डाउन किया है। सो आपने नोट किया होगा कि हमने ये रोप की मदद से इसका इंटरकूलर और रेडिएटर जो भी है ये सारे चीज़ों को टाई करके रखा हुआ है, क्योंकि हमें इस चीज़ का भी रिस्क नहीं लेना था कि इसके कोई भी पार्ट्स नीचे गिरे और डैमेज हो जाए। आप देख सकते हो कि यहाँ एसी के सारे पाइप्स आपको नज़र आ रहे, तो हमें यही चीज़ का रिस्क नहीं लेना था। तो अभी हम इसका जो क्लच सेट है इसे हम डिसमेंटल करने वाले हैं। सो क्लच सेट निकालने के बाद हमें फ्लाईव्हील की कंडीशन पता चलती है। तो इस कार का जो फ्लाईव्हील है उसकी कंडीशन इतनी खास नहीं थी, तो हमें इसे रीसर्विस करना पड़ा। सो आप पुराने क्लच सेट का कंडीशन देख सकते हो, प्रेशर प्लेट काफ़ी जल चुका है, एंड इसका जो क्लच प्लेट है, क्लच का जो डिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, ये मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। सो ये जो भी सारा काम हो रहा है, ये सारे काम का लाइव अपडेट्स हम कस्टमर से शेयर करेंगे। तो आप डिफरेंस देख सकते हो पुराने क्लच सेट का कंपेयर टू द न्यू वन। अभी हम ये न्यू क्लच सेट इस कार में इंस्टॉल करने वाले हैं। फ्लाईव्हील रीसर्फेस होकर हमने फ्लाईव्हील को फिर से इंस्टॉल कर लिया है, अभी हम इसमें न्यू क्लच सेट इंस्टॉल करने वाले हैं। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट इंस्टॉल करने के बाद अभी हम इसका रिलीज बेरिंग जो है उसे रिप्लेस करने वाले हैं। इसकी रिलीज बेरिंग की भी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, आप डिफरेंस देख सकते हो पुराने रिलीज बेरिंग का कंपेयर टू द न्यू वन। अब ये न्यू रिलीज बेरिंग हम गियरबॉक्स में इंस्टॉल कर रहे हैं, साथ ही साथ इसका जो गियरबॉक्स है इसे हम क्लीन करेंगे, एंड देन इसे फिर से इंस्टॉल करेंगे। सो इस पर्टिकुलर कार में हमें क्लच का जो काम करना है इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, इसका एंटायर सबफ्रेम हमें डाउन करना पड़ता है, ऊपर के फिटमेंट्स भी काफ़ी सारे खोलने होते हैं। सो इसीलिए हमने इस चीज़ में बिल्कुल भी रिस्क नहीं ली, हमें ज़्यादा टाइम लिया कस्टमर से, एंड साथ ही साथ हमने बहुत ही आराम से इस गाड़ी का काम किया है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ को डैमेज करने का रिस्क नहीं चाहिए था। तो अभी हम इस कार का बम्पर जो है उसे फिर से फिट करने वाले हैं। बम्पर और लोअर फिटमेंट पूरा होने के बाद अभी हम इस कार का अपर फिटमेंट पूरा करेंगे, कार के बैटरी को कनेक्ट करेंगे, एंड देन अगले स्टेप में हम कार में न्यू गियर ऑयल फिल करेंगे। सो न्यू गियर ऑयल फिल होने के बाद लास्टली हम कार का जो क्लच है उसका ब्लीडिंग करने वाले हैं। हमने इसके सिलेंडर्स इंस्पेक्ट किए तो सिलेंडर्स की कंडीशन अच्छी थी, इसलिए उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो फाइनली हम कार को पैक कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट स्टेप में हम कार का ट्रायल लेंगे। सो हमने इस रेनॉल्ट डस्टर डीजल कार का क्लच सेट रिप्लेस किया है, हमारे टेक्नीशियन अभी इस कार का ट्रायल ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ गियर शिफ्टिंग कैसा हो रहा है, क्लच पेडल दबाओ, गियर शिफ्टिंग स्मूथली जा रहा है कि नहीं वो पहले चेक कर रहे हैं, वो आपको बता रहे वीडियो में, सब गियर्स बराबर जा रहे हैं। तो अभी हम लोग रोड ट्रायल ले रहे हैं, तो इसमें हमें पिकअप का भी आइडिया आएगा, गाड़ी जटरिंग कर रही है कि नहीं वो भी पता चलेगा। क्लच थोड़ा सा उठा के देखिए ज़रा, तो जटरिंग का तो इतना इशू नहीं लग रहा है अभी गाड़ी में। अब इसका पिकअप जो भी है हम लोग टेस्ट करेंगे कार का, रनिंग में इसके गियर्स बराबर शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं वो भी हम लोग चेक करेंगे बराबर। अब एक बार डाउन शिफ्ट करके देखेंगे गियर को, गियर अटक रहा है कि नहीं।
कार का गियर स्मूथली जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, थर्ड और सेकंड भी बराबर गया। गाड़ी का गियर शिफ्टिंग जो है वो भी प्रॉपर हो रहा है एंड पिकअप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। सो गाइस, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो गाइस, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।